लगातार जो आज 16 तारीख को गजेंद्र जी राठौड़ जी के ऑफिस के अंदर जो मीटिंग हुई है उसके अंदर सभी साथियों को सूचित किया जाता है कि जो भी अब आगे की रणनीति होगी वो रणनीति डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा जी के नेतृत्व में होगी। किरोड़ी लाल जी मीणा जी से मिलने का प्रयास भी किया गया, फोन भी किया था, लेकिन जालौर वाले मैटर के कारण किरोड़ी लाल जी बिजी है। कल या परसों में उनसे समय लेके जो भी वो डेट डिसाइड करेंगे, जो भी निर्णय होगा उनके नेतृत्व में ही आगे की रणनीति और आगे का आंदोलन उनके रणनीति के अनुसार ही किया जाएगा। साथियों अब किरोड़ी लाल जी मीणा जी से मिलके जो भी बाबा आगे की डेट डिसाइड करते हैं, जो भी वो ऐलान करते हैं, उस डेट को अपन तमाम पूरे राजस्थान के सीएचए साथी मिलके दौसा से या जयपुर से जहां भी वो कूच का ऐलान करे उनके नेतृत्व में ही ऐलान करेंगे और जो किरोड़ी बाबा बोले उनके नेतृत्व में ही सारा काम होगा। साथियों तो सारे साथियों ने मिलकर एक ही निर्णय लिया है कि जब भी किरोड़ी बाबा ऐलान करे उस टाइम में पूरे राजस्थान के 28,000 तमाम सीएचए साथी मिलजुट कर आर पार की लड़ाई का ऐलान करेंगे, जिसमें एक बार सरकार को बता देंगे कि सीएचए की नौकरी अपने को किस प्रकार सरकार ने छीनी है। तो उसी प्रकार सरकार से सिर्फ एक दिन के अल्टीमेटम के अंदर किरोड़ी बाबा के नेतृत्व में वापस से हमारी सेवा बहाली करा के रहेंगे। साथियों जब तक किरोड़ी बाबा ऐलान नहीं कर दे, जब तक उनसे मुलाकात नहीं हो, तब तक सभी साथी धैर्य बनाए रखें। अब जो भी रणनीति होगी, जो भी आंदोलन होगा, कुछ भी होगा, वो सिर्फ और सिर्फ किरोड़ी बाबा के नेतृत्व में होगा। साथियों धन्यवाद। साथियों जय हिंद।